If Ali, Daniyal and Abdullah earned 15% profit against an investment of ₹7,50,000, find the profit of each if their shares are in the ratio 2:3:5. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अली, दानियार और अब्दुल्ला ने मिलकर कोई बिजनेस किया और उस बिजनेस पर उन्हें 15% उनको प्रॉफिट हासिल हुआ। तो जब उन्होंने वो बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 7,50,000 रुपीज़ की। तो इसके बाद बताना यह है कि जो 15% जो प्रॉफिट हासिल हुआ है उसमें से अली का हिस्सा कितना होगा, दानियाल का कितना होगा और अब्दुल्ला का कितना होगा। तीनों का अलग अलग हिस्सा बताना है, जबकि उनके शेयर की रेशो भी बता दी गई है, वो है 2:3:5। यानी कि अगर अब्दुल्ला ने अली ने 2 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो दानियाल ने 3 रुपीज़ और अब्दुल्ला ने 5 रुपीज़। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बताई गई है ₹7,50,000। तो पहले लिख लेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है ₹7,50,000। और उनके जो रेशियो है उसके बाद देख लेंगे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बताया गया है 15%। प्रॉफिट है 15%। किसका 15%? इन्वेस्टमेंट का। इसको लिख लेते हैं 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट उस कारोबार को शुरू किया 7,50,000 रुपये में, तो उस पर उन्हें 15% नफा हासिल हुआ। तो 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ये लिखा जाए 15% का जो सिंबल है इसको ख़त्म कर देंगे। हमने अभी ये देखना ये है कि 15% प्रॉफिट तो बताया गया है 15%, ये नहीं पता कितने रुपीज़ 7,50,000 में कारोबार शुरू किया गया तो कितने रुपीज़ उनको नफ़ा हासिल हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 15%। अभी देख लेंगे कितने रुपीज़ उनको प्रॉफिट हासिल हुआ, तो परसेंटेज को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। 15% मीन्स पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का सिंबल मूव किया तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इन्वेस्टमेंट कितनी है ₹7,50,000। अब इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 100 का 2 जीरो हैं, ये 7,50,000 के 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको बाकी यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7,500। इसको कैलकुलेटर की यूज़ करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7,500 इज़ इक्वल टू 1,12,500 रुपीज़ जो है वो हुआ उनको प्रॉफिट, जो कि 15% है इन्वेस्टमेंट का। तो प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया रुपीज़ में, वो है 1,12,500 रुपीज़। तो अब हमने इनमें जो बताया गया है इनका प्रॉफिट जो है वो हमने देखना है कि अली का प्रॉफिट कितना है, दानियल का और अब्दुल्ला का, यानी कि ये जो 1,12,500 रुपीज़ है इसको डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले जो कि हमें इस क्वेश्चन में बताई गई है, रेशो बताई गई है शेयर्स की 2:3:5, इनकी रेशो लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे रेशो जो बताई गई है ऑफ शेयर्स, उनके शेयर्स की रेशो क्या बताई गई है, 2:3:5, 2:3:5। तो पहले देख लेंगे यहाँ पर अली पहले नाम आ रहा है तो पहली रेशो जो है 2 वो अली की है, और दानियाल सेकंड नंबर पर है तो 3 जो सेकंड नंबर पर रेशो आ रही है ये दानियाल की है, और अब्दुल्ला थर्ड नंबर पर आ रहा है तो थर्ड नंबर पर जो रेशो आ रही है 5 वो अब्दुल्ला की है। तो इसके बाद हम देख लेंगे कि जो रेशो ऑफ शेयर्स है इसको इनको सम किया जाए, यानी कि इसको लिख लेते हैं सम ऑफ शेयर्स है क्या है, 2 जो रेशो की जगह उस प्लस लिख देंगे, फिर 3 है, फिर रेशो की जगह प्लस और आगे 5, यानी कि जो 2:3:5 है इसको कर देंगे 2+3+5, तो 2+3 5, 5+5 10, तो सम ऑफ शेयर्स हमें पता चल गई है 5। इसके बाद हमने देख लेना है
जो प्रॉफिट है अली का वो कितना होगा। प्रॉफिट अलीज प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर अलीज शेयर लिख लेते हैं यहाँ पर, अलीज शेयर, अलीज शेयर, अलीज शेयर क्या है यहाँ पर, अली पहले नंबर आ रहा है तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पर रेशियो में पहले नंबर पर है टू, इसलिए लिखेंगे टू, यानी कि इसको टू पार्ट्स मिलेंगे। टोटल कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स में से सम ऑफ जो शेयर्स है 10, इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट है 1,12,500 रुपीज़, इसके 10 पार्ट्स किए जाएंगे, और पहले जो है हिस्सेदार यानी कि अली को 2 पार्ट्स मिलेंगे, और उसके बाद कौन सा नाम आ रहा है, दानियाल, दानियाल को 3 पार्ट्स मिलेंगे उन 10 पार्ट्स में से, और उसके बाद अब्दुल्ला जो है उसको 10 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहले नंबर पर आ रहा है अली शेयर, देख लें तो अली को कितने पार्ट्स मिलने हैं, टू, और टोटल कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स, जो कि सम ऑफ शेयर है कि कौन सी अमाउंट में से, प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट कितना है, रुपीज़ 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 1,12,500। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेंगे दोबारा, तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बाकी रह जाएगा टू, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,250 से, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 22,500, 22,500 रुपीज़ जो है ये होगा अली शेयर, यानी कि अली को जो प्रॉफिट हासिल हुआ है उसमें जो अली का प्रॉफिट होगा वो होगा 22,500 रुपये। उसके बाद हम मालूम कर लेंगे दानियाल का प्रॉफिट, जो शेयर है दानियाल का वो देख लेंगे, तो लिख लेते हैं दानियाल शेयर, दानियाल शेयर, दानियाल के स्पेलिंग नेम के हैं DANIYAL, दानियाल्स शेयर, और दानियाल के जो शेयर है उसकी रेशियो क्या है, टू, सेकंड नंबर पर नहीं आ रहा है दानियाल, इसलिए सेकंड नंबर पर रेशियो आ रही है टू, तो सॉरी थ्री, तो इसलिए इसको 3 पार्ट्स मिलेंगे दानियाल को, टोटल कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स में से, जो कि सम ऑफ शेयर है 10, और प्रॉफिट में से प्रॉफिट है रुपीज़ 1,12,500। इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए, 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1,12,500 इज इक्वल टू 33,750, 33,750, और साथ ये रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़, तो इस तरह दानियल का शेयर होगा 33,750 रुपीज़। उसके बाद है अब्दुल्ला का शेयर, अब्दुल्ला का शेयर, अब्दुल्ला शेयर, अब्दुल्ला शेयर, अब्दुल्ला का शेयर है उसकी रेशियो क्या है अब्दुल्ला के शेयर की, यहाँ पर बताई गई है 5, 5 है, इसलिए इसको 5 पार्ट्स मिलेंगे टोटल 10 पार्ट्स में, जो कि सम ऑफ शेयर है, और प्रॉफिट में से प्रॉफिट है 1,12,500 रुपीज़, 7 रुपीज़ का सिंबल लगा लेंगे, तो इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1,12,500 इज इक्वल टू 56,250, 56,250 रुपीज़ जो है रुपीज़, ये होगा अब्दुल्ला का शेयर। तो इस तरह हमने ये देख लिया कि अली का शेयर होगा 22,500 रुपये, और दानियल का शेयर 33,750 रुपये, और इस तरह अब्दुल्ला का शेयर 56,250 रुपये।